अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथी ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ की बुक और कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 183 पर। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नीचे रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, आपको इन रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हैं आप। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में भी बताया था कि आपको डिवाइड करके इनकी सबसे छोटी वाली फॉर्म लिखनी होती है, जिसके बाद आप इसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। लास्ट लिमिट होती है डिवाइड करने की। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। तो कॉपी में आप सभी बच्चे सबसे पहले मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन कर लीजिए। आज की डेट मेंशन करनी है। ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखने हैं और ब्लू पेन से आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप बुक में से देखकर लिखेंगे। तो फर्स्ट है -8/6। क्या है? -8/6 है। इसकी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो नीचे लिख दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो -8/6। अब आप इसको 2 4 8, 2 3 6 कट कर दिया। अब देखिए -4/3 आया। अब क्या ये किसी टेबल से कट हो सकता है? इससे छोटी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं और ज़्यादा इसे छोटा कर सकते हैं काट के? नहीं कर सकते ना। तो -4/3 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक तरीका तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का, और एक है सेकंड मेथड। मैं आपको एक क्वेश्चन में सेकंड मेथड भी बता देती हूँ, उसके बाद जो आपको इजी लगे उससे कर लीजिएगा। सेकंड मेथड है इसका, सेकंड मेथड, जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो आपको HCF निकालना पड़ेगा इन दोनों का। जब आप HCF निकालेंगे, आता है ना HCF निकालना, तो HCF ऑफ 8 and 6 जब आप निकालेंगे तो HCF आएगा 2, यानी जो तीनों में कॉमन है 2 आएगा HCF। तो जो HCF आया है ना, उसी से आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। उसके बाद सेकेंड स्टेप करना है डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, डिनोमिनेटर बाय 2 से करेंगे ना। तो क्या करना है, -8/6 इसको भी डिवाइड कर दीजिए 2 से, इसको भी डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो -4/3 आ जाएगा। तो ये जो -4/3 है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। या तो आप HCF निकाल कर कर लीजिए, या आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, यानी जब न्यूमरेटर ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम आए तो आप उसी से आपको पता लग जाएगा कि ये अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। मैं फर्स्ट वाले मेथड से कराऊंगी, और एज योर विश आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट सेकंड। सेकंड में सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है 25/45 की। तो सिंपलेस्ट नीचे लिख दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/45 इज़। क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए। किससे कट रहा है देख लीजिए, 5 के टेबल से कट रहा है। 5 9 45 एंड 5 5 25। दोबारा देख लीजिए क्या ये किसी और चीज़ से डिवाइड हो रहा है। दोबारा इसको कर सकते हैं डिवाइड, 5 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 25/45 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई है, 5/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, -44/72। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म
ऑफ माइनस 44 अपॉन 72 इज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी जब आप इसे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, वापस से 2 के टेबल से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। अब क्या आया है, माइनस 11 अपॉन में 18। अब आप ये देखिए क्या ये किसी और टेबल से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, ये लास्ट है, इससे आगे इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई है, माइनस 11 अपॉन 18। अब है नेक्स्ट फोर्थ है माइनस 8 अपॉन में 10, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइनस 8 अपॉन 10 इज क्या आएगी जब आप इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। अब देखिए ये इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता, ये लास्ट लिमिट है इसके डिवाइड होने की। तो इसका मतलब कि माइनस 8 अपॉन 10 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई है, माइनस 4 अपॉन में 5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 7 कंप्लीट हो चुका है। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ साइंस दिए गए हैं यहाँ पर, लेस देन ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का, यानी जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ आपको ऐसे मुंह खोल देना है, बचपन से करते आए हैं ना, आपको साइन लगाना है लेस देन ग्रेटर देन का और या फिर इज इक्वल्स टू का। फर्स्ट है माइनस 5 अपॉन में 7 एंड 2 अपॉन में 3। आप ये सभी बच्चे ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव वैल्यू से, चाहे वो अपॉन में हो या वो सिंपल लिखी हुई हो, है ना। तो इसको तो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है कि इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्योंकि माइनस फाइव ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो 2 अपॉन 3 बड़ा है फर्स्ट में। अब है सेकेंड, माइनस 4 अपॉन 5 और माइनस 5 अपॉन 7। अब यहाँ है मसला, यहाँ है प्रॉब्लम कि भाई अब कैसे पता लगाएं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। तो अब इसके लिए एक रूल होता है कि पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाले नंबर्स हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर लो। जब नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे उसके बाद आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। चलिए देखते हैं कॉपी में किस तरीके से करना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट पार्ट मैंने भी आपको बुक में करा दिया, तो फिर भी आपको करना है, क्वेश्चन आप बुक में से खुद लिख लीजिएगा। माइनस 5 अपॉन 7 और ब्रैकेट में था, ब्रैकेट है बीच में और है 2 अपॉन में 3, कि इसमें से क्या कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है आपको ये बताना था। तो मैंने बताया सभी को पता होता है कि नेगेटिव हमेशा छोटा होता है और पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है। अब है सेकंड, इस बार तो दोनों ही नेगेटिव हैं, यानी माइनस 4 अपॉन में 5 है और सेकंड नंबर है माइनस 5 अपॉन में 7। तो अब कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें क्या ट्रिक यूज़ होती है, क्या रूल लगता है कि पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लिया जाए। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, तो सबसे पहले देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपको HCF लेकर करना है, यहाँ आप LCM लेंगे 5 और 7 का। LCM लेकर आपको ये पता लग जाएगा कि वो कौन सा नंबर है जो दोनों डिजिट से डिविजिबल है, वो सेम आ जाएगा, है ना, आपको पता लगेगा। तो LCM कैसे लेते हैं पता है ना, 5 और 7 का जब आप LCM लेंगे तो क्या आएगा, 35 आ जाएगा। तो LCM हमें पता है, LCM ऑफ 5 एंड 7 कितना है, 35 है। अब क्या करेंगे, माइनस 4 अपॉन 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो डिनोमिनेटर हो 35 हो जाए, 7 से करेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो मल्टीप्लाई माइनस 4 अपॉन 5 फ्रॉम 7, 7 से करेंगे। तो माइनस 4 अपॉन 5
दोनों साइड में करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सेवन से करेंगे तो 4 7 का कितना हुआ माइनस का 28, और 5 7 का कितना हुआ 35। अब यही वाला काम इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस 5/7 फ्रॉम किसे करना है इस बार 5 से, तो माइनस 5/7 5 से करेंगे तो आएगा माइनस का 25/35। अब हमें ये भी पता लग गया और ये भी पता लग गया, अब इससे इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा असल में छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो माइनस 4/5 पहले लिखा था, तो ये है माइनस 28/35 और ब्रैकेट लगा लीजिए। सेकंड है माइनस 25/35। अब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जो राइट साइड वाले नंबर्स होते हैं वो सारे बड़े होते हैं, और जो लेफ्ट में आते हैं वो सारे छोटे होते हैं। तो पहले 25 आएगा या पहले 28 आएगा? पहले 25 आता है, तो इसका मतलब 25 बड़ा है 28 से। जब आप नंबर लाइन पर देखेंगे तो यहाँ है 25 माइनस का और यहाँ आएगा माइनस का 28। तो हमेशा राइट वाला जो नंबर होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट वाले से, ठीक है। तो वैसे तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो 28 बड़ा होता, लेकिन नेगेटिव में नंबर लाइन के थ्रू क्या है बड़ा, नंबर लाइन की वजह से माइनस 25 बड़ा है माइनस का। तो साइन लगाएंगे इधर, यानी माइनस 28/35 इज़ लेस देन माइनस 25/35। तो बुक में भी लगा लीजिए निशान, सॉरी ये साइन अब बुक में लगाएंगे तो -5/7 इज़ ग्रेटर है ना, सॉरी -5/7 ग्रेटर है -4/5 के। अबे थर्ड -7/8 एंड 14/-16। अब मैंने आपको बता दिया क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, एलसीएम लीजिए, उससे पता लगेगा कि फिर आपको दोनों डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है। अब है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में है -7/8 ब्रैकेट 14/6 माइनस का 16। अब हमें पता है इसमें क्या करना है, पहले इसका एलसीएम लेना है उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो जब आप 8 और 16 का एलसीएम लेंगे, या ना भी लीजिए एलसीएम, क्योंकि इसमें इजीली आपको पता लग रहा है कि अगर आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो जब आपको इजीली पता लग रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो मत लीजिए एलसीएम। जब ज़्यादा परेशानी हो तब ले लीजिए एलसीएम। देखिए अब इस क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर -7/8 में जो माइनस है वो ऊपर है, नेगेटिव साइन ऊपर है, और 14/-16 में नेगेटिव साइन नीचे है। तो इसका मतलब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप माइनस के डिजिट से कीजिएगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट -7/8 मल्टीप्लाई बाय 2, -7/8 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, -2 से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एन और डी लिख दिया मैंने, एन और डी से आप समझ जाइएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, दोनों को करना है। तो -7/8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी -2 से करना है, यहाँ पर भी -2 से करना है। अब क्या होगा, 7 2 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 8 2 16 और यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाएगा, ये भी 14/-16 हो गया, और दूसरा वाला भी 14/-16 था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसमें साइन आएगा इज इक्वल्स 2 का, 14/-16 एंड 14/-16 दोनों इक्वल हैं। अब करेंगे नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ है -8/5 और सेकंड है -7/4। अब आप एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज इक्वल्स टू 20 आया है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, -8/5 को मल्टीप्लाई करेंगे
बाय 4 से करेंगे और 4 बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी n एंड d, तो माइनस 8 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 फोर ज़ा 32, माइनस का 32 आ गया एंड 5 फोर ज़ा 20। अब है नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 अपॉन 4 को बाय 5 से एंड बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करना है, तो माइनस 7 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 था माइनस का 35 एंड 5 4 था 20। अब जब दोनों के न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए तो अब आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ये है माइनस 32 अपॉन में 20 और ये है माइनस 35 अपॉन में 20। अभी मैंने आपको क्या बताया था, नंबर लाइन पर देखिए राइट साइड में क्या आ रहा है, जब आप राइट साइड में देखेंगे तो माइनस 32 बड़ा है, ठीक है, तो माइनस 32 की तरफ साइन लगा दीजिए, यहाँ मुंह खोलना है। माइनस 35 अपॉन 20 छोटा है, माइनस 32 अपॉन में 20 बड़ा है। अब है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, 1 अपॉन में माइनस 3 एंड माइनस 1 अपॉन में 4। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, माइनस राइट साइड में ऊपर है और लेफ्ट साइड में है नीचे, लेकिन सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इसमें भी एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे बोथ साइड्स पर तो माइनस ले लीजिएगा एक साइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, माइनस 4 से कर दीजिए 1 अपॉन माइनस 3 को मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से, तो माइनस 4 आ गया ऊपर एंड 4 थ्री ज़ा 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 12 आ गया। अब नेक्स्ट है माइनस 1 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई करना है, देखिए यहाँ लिख लीजिए बोथ n एंड d यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 3 एंड बोथ n एंड d, ओके। अब क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई करना है 3 से ऊपर भी और नीचे भी, तो माइनस का 3 एंड 4 थ्री ज़ार 12। अब क्या आया है, माइनस 4 अपॉन में 12 और माइनस 3 अपॉन में 12, तो बड़ा क्या है इसमें, बड़ा कौन सा है, अगर आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगी तो करेंगे तो राइट हैंड साइड पर आएगा माइनस 3, यानी तो फिर माइनस 3 क्या हुआ, बड़ा हुआ, है ना। तो मुंह क्या करेंगे इसका, माइनस 3 की तरफ खोलेंगे, यानी माइनस 4 अपॉन 12 इज़ लेस देन माइनस 3 अपॉन में 12। आगे के जो दो क्वेश्चन हैं वो होमवर्क हैं, आपको इसी तरीके से करने हैं। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एज इट इज़ सेम जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया है वही क्वेश्चन नंबर 9 में करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क है, ओके। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है यानी बढ़ते हुए क्रम में, क्रम में पहले सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, 9 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 में है असेंडिंग ऑर्डर में आपको इन्हें अरेंज करना है, क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे। फर्स्ट है माइनस 3 अपॉन में 5 दिया गया है, सेकंड है माइनस 2 अपॉन में 5 एंड थर्ड है माइनस 1 अपॉन में 5। अब सबसे पहले अरेंज करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या तीनों के डिनोमिनेटर सेम हैं।
अगर सेम है तो इजीली अरेंज हो जाएगा, और अगर नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा उसके बाद आपको अरेंज करना है इनको। तो जब आप नंबर लाइन पर देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, क्योंकि छोटे से बड़ा बढ़ते हुए क्रम में लगाना है ना इनको, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटा है इसमें -3 अपॉन 5। ये मत देखिए नीचे का, बस ऊपर का देख लीजिए। तो -3 अपॉन 5 सबसे छोटा है, उसके सॉरी ये साइन गलत हो गया। तो साइन कैसे लगाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है ना, इस तरीके से -3 अपॉन 5, इससे बड़ा है -2 अपॉन 5, और इनमें सबसे बड़ा है -1 अपॉन 5। आपको इनको अरेंज करते हुए सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो है डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 1 अपॉन 3, -2 अपॉन 9 एंड -4 अपॉन 3। अब इनके तीनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन हमें पता है पॉजिटिव वाला तो सबसे बड़ा है ना, और दो है नेगेटिव। अब इनमें से देखना है कि कौन सा कितना छोटा है। तो इन दोनों के पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, है ना। ये तो है -2 अपॉन 9, इसका हमें इजीली पता है कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले -4 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 अपॉन 3 × 3, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो -4 अपॉन 3 × 3 एंड 3, 4 × 3 − 12 हो गए एंड 3 × 3 = 9। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, आप चाहें तो आप इसका भी कर सकते हैं। बाकी तो पता है कि 1 अपॉन 3 जो है ये तीनों में सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो फिर ईजी हो जाएगा करना। यार रहने दीजिए, ज़रूरत नहीं है। तो अब आप इजीली कर सकते हैं, सबसे छोटी डिजिट कौन थी इसमें, -12 अपॉन 9, उससे बड़ी डिजिट है -2 अपॉन 9, और सबसे बड़ी डिजिट है 1 अपॉन 3। ये हो गए अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद है लास्ट थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 9.1, -3 अपॉन 7, -3 अपॉन 2 एंड -3 अपॉन 4। ये है उल्टा, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ पर न्यूमरेटर सेम दिया गया है तो न्यूमरेटर से फ़र्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा इसमें। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ऑफ, जब आप एलसीएम लेंगे 7, 2 एंड 4 इज कितना आएगा, 28 आएगा। अब आप 1 by 1 करके मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद इजीली अरेंज हो जाएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे -3 अपॉन 7 को बाय किससे, 4 से, बोथ -3 अपॉन 7 × 4 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करना है। तो -3 अपॉन 7 × 4 4 × 3 − 12 एंड 7 × 4 = 28। ये हो गया फर्स्ट। अब है इसमें सेकंड, -3 अपॉन 2, तो -3 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 14 से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करना है। तो -3 अपॉन 2 × 14 = 42 आ गया एंड यहाँ आ गया 28। दो के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब थर्ड का करेंगे, थर्ड है -3 अपॉन 4, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 7 से करेंगे इसे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या होगा, -3 अपॉन 4 × 7 × 7 7 × 3 − 21 एंड 7 × 4 = 28।
अब तीनों डिजिट आपको पता लग गई, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। फर्स्ट डिजिट थी -12/28, सेकंड डिजिट है -42/28, एंड थर्ड रेशनल नंबर जो है वो है -21/28। अब जब आप इन्हें नंबर लाइन पर शो करेंगे तो सबसे छोटा नंबर है -42/28, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेफ्ट में है। उसके बाद उससे बड़ा है -21/28। फिर जो सबसे पहले राइट साइड में आएगा वो है -12/28। तो कर दिए तीनों को अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। इसी के साथ एक्सरसाइज 9.1 आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।